नगर निगम भिलाई चिरौदा द्वारा महाशिवरात्रि पर परंपरागत रूप से मनाए जाने वाले देवलोदा महोत्सव इस वर्ष 8 एवं 9 मार्च को मनाया जाएगा, जिसमें पहले दिन महोत्सव का उद्घाटन सांसद विजय बघेल करेंगे। वहीं अगले दिन समापन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। वहीं स्थानीय विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा दोनों दिन कार्यक्रम में बतौर अध्यक्ष शामिल रहेंगे। देवलोदा महोत्सव का आयोजन 8 और 9 मार्च को भिलाई चिरौदा निगम द्वारा किया जाना है। विद्यार्थियों की परीक्षा का समय देखते हुए रात 10 बजे तक ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन किया जाएगा। बता दें, नगर निगम भिलाई चिरौदा के द्वारा देवलोदा वार्ड में कलचूरी कालीन पुरातन शिव मंदिर क्षेत्र में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पहले दिन 8 मार्च को कार्यक्रम का उद्घाटन दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न होगा, तो वही कार्यक्रम की अध्यक्षता अहिवारा विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा द्वारा किया जाएगा। वही दूसरे दिन कार्यक्रम का समापन 9 मार्च को होगा। समापन पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आतिथ्य एवं अहिवारा विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा की अध्यक्षता में संपन्न होगा। जी भी बताएंगे। नगर निगम भिलाई चिरौदा के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी देवलोदा महोत्सव का आयोजन महाशिवरात्रि के दिन 8 फरवरी 8 मार्च और 9 मार्च को किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में दुर्ग जिले के सांसद विजय बघेल जी और अहिवारा के विधायक कोरसेवाड़ा जी, नगर निगम के महापौर, सभापति और तमाम MIC मेंबर्स, नेता विपक्ष और सभी पार्षद अतिथि रहेंगे। पहले दिन का जो कार्यक्रम है वो रंग सरोवर गरियाबंद का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। दूसरे दिन समापन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी विधायक और शहर सरकार के तमाम साथीगण और सभी पार्षदगण उस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। दूसरे दिन सुनील सोनी जी का कार्यक्रम होना सुनिश्चित है। चूंकि अभी बोर्ड क्लास का एग्ज़ाम चल रहा है और उनको देखते हुए कार्यक्रम जो है संध्या 6:30 बजे से लेके 10:30 बजे रात तक ही संपन्न होगा, तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि देवलोदा महोत्सव में आप सब आएँ और आप सबके ऊपर भोलेनाथ जी की कृपा बनी रहे। माननीय विजय बघेल जी सांसद का प्रथम कार्यकाल से शुरू हुआ था, जो आज भी उस परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं। और इसमें मेला में दोनों दल के पार्षद, दोनों दल के भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का आगमन रहता है। हम उसमें भेदभाव नहीं करते, क्योंकि जिसका शासन रहता है, जो मंत्रीगण विधायकगण रहते हैं, उसको बुलाते हैं इसलिए कि वहाँ का विकास हो। हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि विकास कैसा होगा, विकास चाहे वो भाजपा का नेता हो कांग्रेस का नेता हो। माननीय भूपेश बघेल जी प्रतिवर्ष आते हैं, माननीय विजय बघेल जी प्रतिवर्ष आते हैं, और माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे तो उसमें तो 4 तरफा पैसा दिया गया था देवलोदा महोत्सव में, और बहुत विकास हुआ वहाँ, सौंदर्यीकरण आज देखने लायक है। ये माननीय भूपेश बघेल जी का देन है और आशा करते हैं विजय बघेल जी सांसद महोदय से और इस कार्यकाल के जो नेता है अभी माननीय साई जी से कि उसको धार्मिक स्थल है ऐसा देखते हुए उसको अच्छा पैसा दे और अच्छा कार्य हो, ये हम आशा करते हैं देवलोदा महोत्सव में। और हम लोग के द्वारा उसको बहुत उत्साहपूर्वक मनाएंगे, उसमें कोई दलगत नीति का समावेश नहीं रहते, उसमें सब बराबर रहते हैं। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में सभी 40 वार्ड के पार्षद एवं गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। इस वर्ष जिला प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा का समय होने के कारण कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 10 बजे तक ही निश्चित किया गया है। देवलोदा महोत्सव कार्यक्रम के दौरान इस आदेश का पालन करते हुए सभी कार्यक्रमों का मंचन रात्रि 10 बजे तक ही किया जाएगा। इसी न्यूज के लिए शैलेन्द्र खरे की रिपोर्ट।